हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको ओमरान का कन्वर्टर, स्पीड कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में बताते हैं। इसमें फॉल्ट आ रहा था F00, तभी इसको ओपन किया है मैंने, तो इसके कार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ से इसका ब्रिज डायोड जल गया था, तो वैसे मैंने चेंज किया, अभी रिप्लेस किया है। अभी देखते हैं क्या करता है। इसका ये ब्रिज नीचे डीसी ब्रिज है, ये वाला, इसकी प्रॉब्लम हो गई थी, मोटर रन नहीं हो रही थी, तो अभी मैंने इसको रिप्लेस किया, तो इंशाल्लाह ये काम करना शुरू करेगा। तब इसको मैं पावर दे रहा हूँ, पावर दे के चेक करता हूँ और डिस्प्ले के साथ ऑन होता है, रन पोजीशन करता है कि नहीं करता। मैंने पावर दिया, ये ऑन हो गया है। अभी भी इसका प्रोसेस कार्ड जो है ना, उसके कनेक्शन वगैरह करता हूँ मैं। ये हमारा प्रोसेस कार्ड है इसका, ये रिमोट से ऊपर चलता है और यहाँ से वेरी होता है। यहाँ पर इसका सारी सेटिंग यहाँ से होती है, ये वेरिएबल लगी है इसकी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। अभी इसको मैं कार्ड को लगाता हूँ, ये इसका कार्ड है। अभी मैंने इसका प्रोसेस कार्ड लगाया यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर RG45 की डिस्प्ले की केबल लगती है यहाँ पर। अभी डिस्प्ले की केबल लगाता हूँ इसको, तो फिर डिस्प्ले क्या करता है, क्या काम करता है। ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले, ये वाला डिस्प्ले। अभी मैं इसको लगाता हूँ डिस्प्ले। अभी मैंने RG45 केबल प्रोसेस कार्ड की तरफ लगाई है और दूसरी तरफ डिस्प्ले की तरफ मैंने लगा दी, ये वह डिस्प्ले के ऊपर लगाई है। अभी देखते हैं डिस्प्ले ऑन होता है। अभी इसको मैं पावर देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, इंशाल्लाह ये काम करेगा। देखो अभी मैंने इसको लगाया है इसके ऊपर, ये अभी ग्रीन भी दे रहा है और फॉल्ट भी दे रहा है। ये देखो ना F002, ये इसका ये फॉल्ट आ रहा है। अभी इसको मैं रीसेट करता हूँ, देखता हूँ क्या करता है, नहीं हो रहा। इसमें ये फॉल्ट है, ये प्रोसेस कार्ड में फॉल्ट है। ये इसको ग्रीन होनी चाहिए, रेड इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए। अभी इसको रीसेट करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इसको लिंक डालता हूँ, लिंक डाल के तो फिर इसको रीसेट करके देखते हैं। ये प्रोसेस F002 का फॉल्ट, जो इसका ये डायोड ब्रिज जुड़ा हुआ, डायोड उड़ा हुआ है, ये वाला, ये अभी देख रहे हैं, ये वाला डायोड, ये डायोड सही है इसका, थ्रस्टर ब्रिज ये उड़ गया है इसका। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये F002 का जो फॉल्ट है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ना, ये फट गया है, ये इसके अंदर पानी या नमी जाने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब इसको रिप्लेस करेंगे इसका सेम नंबर, ये इसका सेम नंबर है, ये वाला, इसके साथ ये चेंज करेंगे, इंशाल्लाह ये वक्त काम करना शुरू कर देगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नई नई वीडियो आपके साथ जल्द पहुँचे। ये कन्वर्टर का ज़्यादातर प्रोसेस कार्ड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो डीसी ब्रिज भी इसका चेंज किया था मैंने। नीचे वाला कार्ड तो, ये वाला कार्ड तो बिल्कुल ठीक है, अभी ये ऑन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रोसेस कार्ड में प्रॉब्लम है, ये इसका डायोड है, डायोड चेक, डीसी डायोड चेक चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम करना शुरू कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास नई नई वीडियो जल्द पहुँचे, और आईकॉन बेल को ज़रूर दबाया करें कि मेरी वीडियो आप तक जल्द पहुँचे।